आज भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4:30 बजे होगा वर्चुअल संबोधन। लोकसभा से पास हुआ ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल, आज राज्यसभा में होगा पेश। देश के 744 जिलों में आयोजित होगा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 13 अगस्त को करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज ही लगेगी, सोमवार से शुक्रवार रहेगी सामान्य व्यवस्था। रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस यात्रा का उपहार देगी योगी सरकार, 21 से 22 अगस्त मध्य रात्रि तक मिलेगी सुविधा। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश की खास खबरें। लोकसभा में शांति और राज्यसभा में जो क्रांति मंगलवार को दिखी वो आज पलट सकती है। राज्यसभा में आज ओबीसी आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में आज क्या होगा इसकी बानगी कल लोकसभा में मिल गई थी। विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का तो समर्थन किया लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा कि विरोध का सुर भी ऊंचा रहे। दरअसल कई राज्यों में चुनाव भी है, खासकर यूपी, उसमें ओबीसी आरक्षण बिल का बीजेपी को फायदा हो सकता है, ये डर भी विपक्ष के मन में है। लोकसभा में जो मन में था वो जुबान पर भी आया, लेकिन यही दल संसद के अंदर और बाहर राज्यों में 50% आरक्षण कैप को हटाने की मांग कर रहे। इस तकरार के पीछे सत्ता का इकरार है, हर राज्य चुनावी समर में ओबीसी वोटरों को लुभाने और अपनाने का काम कर रहा है। पहले बात यूपी की कर लेते हैं क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। यूपी की कुल आबादी 45% ओबीसी है, इसमें सबसे ज्यादा करीब 10% यादव, ओबीसी में यादव के बाद सबसे ज्यादा 5% कुर्मी है, करीब 4% लोधी है। सभी दलों की नजरें इन्हीं लोगों पर है क्योंकि 2017 के चुनाव में इस ओबीसी वोट बैंक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में कोरोना के केस में भले ही कमी आ रही हो लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। 9 राज्यों में 37 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं 44 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। कोरोना के मामले में धीरे धीरे कमी आ रही है लेकिन अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। देश में अभी भी हर दिन 25,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 राज्यों में 37 जिले ऐसे हैं जहां हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। ये राज्य केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम है। इसमें सबसे ज्यादा केस केरल के हैं, 11 जिलों में से आ रहे हैं। वही खबरों के बीच रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है। हरदोई से बड़ी खबर, जहां पर पिता ने की एक वर्षीय मासूम की हत्या। हत्या कर शव को नहर में फेंका, घरेलू विवाद के चलते घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के दौलतपुर की घटना। तो हरदोई से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर एक पिता ने एक वर्षीय मासूम की हत्या कर दी, शव को नहर में फेंका गया है। घरेलू विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के दौलतपुर का ये पूरा मामला है जहां एक पिता ने किस कदर एक अपने ही एक वर्षीय बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। तो एक बार फिर नजर डालते हैं खबरों की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 13 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आगाज करेंगे। मंत्रालय ने 7.50 करोड़ युवाओं व लोगों तक पहुंचने तथा उन्हें इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा है। खेल सचिव उषा शर्मा ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बीएसएफ, सीआईएसएफ,
सीआरपीएफ, रेलवे, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी आदि सरकार व गैर सरकारी संगठन प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले दिन देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर 75 शारीरिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके बाद 2 अक्टूबर तक हर हफ्ते 75 जिलों और उन सभी के 75 गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। समग्र रूप में 744 जिलों और उन सभी के 75 गांव के अलावा देश भर की 30,000 शैक्षणिक संस्थाओं में भी ये कार्यक्रम आयोजित होगा। देश की कॉरपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में इस रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों का सफर सस्ता होगा। तेजस एक्सप्रेस में सफर करने वाली महिलाओं को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम 5% का कैशबैक देगा। ये कैशबैक टिकट बनाने के बाद उसी क्रेडिट व डेबिट कार्ड में मिलेगा जिससे टिकट का किराया दिया जाएगा। बता दें कि महिला यात्रियों को 15 अगस्त से 24 अगस्त तक तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने पर ये 5% की छूट दी जाएगी। आईआरसीटीसी उत्तर भारत के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों की संख्या लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में महिला यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने ये खास पेशकश की है। तेजस एक्सप्रेस यात्रियों के लिए कई तरह की नई सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। तेजस में यात्रा के दौरान यदि यात्री का जन्मदिन होता है तो आईआरसीटीसी की ओर से ट्रेन में ही बर्थडे केक काटा जाता है। साथ ही त्योहारों पर आईआरसीटीसी यात्रियों का सफर यादगार बनाने के लिए उनको गिफ्ट भी देते हैं। गंगा के रौद्र रूप से काशी की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। गंगा के निशान से खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ गई है। हालात ये है कि अब पानी शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। इससे कई जगहों पर आवागमन बाधित है तो कई जगहों पर कॉलोनियों में पानी भरने की वजह से लोग घर छोड़कर दूसरे जगहों पर रहने को मजबूर है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा इस समय खतरे के निशान से 71.26 और 62 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आने वाले समय में जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में नदियों का जल स्तर बढ़ने की वजह से ही बनारस में भी गंगा में बढ़ाव जारी है। अभी भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है। बता दें कि मंगलवार को नदी का जल स्तर 71.88 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। इधर 80 घाट के पास चौराहे तक पानी आने के साथ ही सामने घाट इलाके में भी सड़क किनारे की कॉलोनियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। उधर गंगा के साथ ही वरुणा में भी जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामानाथ ने बीते दिन एक बयान जारी करते हुए कहा कि स्कूलों के खोले जाने की अपील की है। दरअसल कोरोना के मामलों को देखते हुए पिछले साल मार्च महीने से स्कूलों को बंद किया हुआ है। वहीं सौम्या ने कहा कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सीखने की क्षमता पर काफी समय तक प्रभाव रहेगा। आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया है तो वहीं इस वक्त कई राज्यों में अभी भी ताला लगा हुआ है। ऐसे में स्वामीनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा कि स्कूलों के बंद होने के चलते बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सीखने की क्षमता पर लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि वक्त सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वयस्कों को वैक्सीनेशन के साथ स्कूलों को खोलना प्राथमिकता होनी चाहिए। लखनऊ के चौक स्थित इमामबाड़ी के पास रजनीकांत अभिनेता की फिल्म शूटिंग चल रही थी। धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास के विरोध के बाद इस शूटिंग को रुकवा दिया गया। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि जब जुलूस, मजलिस व मातम पर रोक है तो शूटिंग क्यों होने दी जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन ना होना का आरोप लगाया है। शूटिंग की वजह से सुबह से ही चौक के कुछ इलाकों में डायवर्जन किया गया था, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। वहीं मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि इमामबाड़ी के बाहर जहां शूटिंग चल रही थी वहां सैकड़ों लोग जुटे थे जिससे कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हो रहा था। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि इस वक्त जब इमामबाड़ी में मजलिस और मातम को रोका जा रहा है तो शूटिंग कैसे की जा रही है। कावड़ यात्रा और मुहर्रम से कोरोना फैलने की आशंका है लेकिन रजनीकांत रैलियों व शूटिंग से क्या संक्रमण नहीं फैलेगा। उधर फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर इकबाल जाफरी ने बताया कि विरोध के बाद शूटिंग बंद करवा दी गई। हालांकि शूटिंग में शामिल लोगों ने कोविड टेस्ट करवाया है और प्रोटोकॉल का भी पालन हो रहा है।
बाढ़ के कहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ सिर्फ पानी का सितम है। नदियों के किनारे रहने वाले लोग पानी के कोहराम से परेशान हैं। बारिश और बाढ़ से प्रशासन और सरकार की नाकामी साफ तौर पर नजर आती है। हर साल बाढ़ से हजारों घर जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पहले से तैयारियां नहीं की जाती हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको बलिया और दिखाते हैं कि वहां बाढ़ से क्या हाल है। मोहल्ला वासियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, आप अपने घर से बाहर निकले। इंडियाना की टीम आपके घर के पास पहुंची है, आप अब उसमें बैठकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। नहीं तो आप लोग समझिए, मेरा लाख रिक्वेस्ट है, कृपया सभी मोहल्लेवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने मकान में ताला देकर अपने सुरक्षित स्थान पर जगह पधार लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि यहाँ हालात कैसे हैं। जहां तक नजरें जाती हैं, वहां बस पानी ही पानी नजर आता है। लोग परेशान हैं, डरे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। सबसे पहले ले चलते हैं आपको बलिया। यहां नदी का स्तर लोगों को डरा रहा है। नदियों की चाल ऐसी है मानो सब कुछ उसमें समा जाएगा। बलिया में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा मुनादी कर सभी लोगों से घरों को खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जरा आप भी सुनिए कि आखिर चेतावनी कैसे जारी की जा रही है। आप लोग सभी लोग को मेरा नम्र निवेदन है कि अपनी मकान में ताला देकर अब बाहर निकल जाए, मेरा लाड़ ये रिक्वेस्ट है। नहीं तो आप लोग जानिए, आप लोग का मकान भी, एक मकान अगर ढह जाएगा तो सारी मकान आप लोग का एकदम तरह है, जान है तो जहान है। सुना आपने कि आखिर क्या चेतावनी जारी की गई है। आप घरों में ताला दे दें और बाहर आ जाएं, वरना बड़ी घटना घट सकती है। बाढ़ के काल से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। एसडीएम जुनेद अहमद ने कहा अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कुछ लोग घर से निकलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। एसडीएम की माने तो कुछ लोग बस घरों में हैं और वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये चल रहा है, अभी लोग इतनी जल्दी रेडी नहीं हो रहे हैं यहाँ से मूव करने के लिए, तो उनको कन्वेंस किया जा रहा है कि यहाँ से मूव कर जाएं ताकि जो ख़तरा है वो कम हो जाए। यहाँ स्कूल है, गवर्नमेंट GGIC है, उसमें वहाँ पे इनसे कन्वेंस किया जा रहा है कि वहाँ पे चले जाएं, बट ये लोग आ नहीं रहे हैं, तो हम लोग और ट्राई करते हैं इनको कन्वेंस करने का कि ये लोग मूव कर जाएं यहाँ से। बाढ़ से बचने के लिए घरों में कैद होना ठीक नहीं है। इलाकों में पानी इतना भरा है कि घरों में रहना सुरक्षित भी नहीं है। सरकार द्वारा बचाव एवं राहत कार्य जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा NDRF के अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का निर्देश मिला है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में लोग बाढ़ से घिर गए हैं, जिन्हें निकालने की जरूरत है। उनके निर्देश पर महिलाओं, पुरुष और बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। हर साल आफत की ये बाढ़ लोगों के लिए काल बनकर आती है। हजारों लोग हर साल बेघर हो जाते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती। वैसे आफत की ये तस्वीरें किसी एक जिले की नहीं बल्कि कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ कहर बनकर लोगों की जिंदगी में आई है। अब दिखाते हैं आपको फतेहपुर की तस्वीरें। गांव में चलती नाव इस बात की तस्दीक दे रही है कि यहाँ यमुना नदी ने कैसे लोगों के जीवन पर असर डाला है। जिस गांव में कभी बच्चे खेला करते थे, बुजुर्गों की पंचायतें बैठा करती थी, आज वो गांव नदी में तब्दील दिखाई दे रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती इलाके के परसेड़ा और तपसौरा गांव की मुसीबत बढ़ा दी है। यहां अब तक कई परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, कई लोगों का आशियाना छिन गया है, बूढ़े बच्चे सब बेघर हो गए हैं।
यहाँ पे कई घरों की तो बुरी हालत हो चुकी है, जिसमें करीब 100 घर के आसपास जो है वो पानी से भर चुके हैं, और कुछ घर तो ऐसे हैं करीब दर्जन से ऊपर होंगे ऐसे, कि जो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं। ना तो उनको निकलने की कहीं पर जगह मिल रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और घर में अपने छत के ऊपर सामान रख करके लोग उल्टा सीधा जैसे हो पा रहा है उनसे वो व्यवस्था करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव की तस्वीर किसी नदी से कम नहीं दिखाई देती। यहां से सड़कें नदारद हैं, गलियां गायब हैं और घर पानी में डूबे हुए हैं। और तो और लोग भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। ये मंजर इतना खौफनाक है कि कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। प्रधान का आरोप है कि यहाँ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, खुद की मदद आप खुद ही करिए, यानी सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है। प्रशासन की बात रही तो ना तो यहाँ पे सीएम साहब आ रहे हैं, ना तो डीएम महोदय आ रही है। दो दिन से मैं सुनता चला रहा हूँ, लोग आएंगे और यहाँ पे निरीक्षण करेंगे, कुछ ना कुछ आश्वासन देंगे लोगों का, तो लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं। यहाँ रहने वाले लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ लोगों को खाने तक को नहीं मिल रहा है। लोग रोजमर्रा की चीजें जो हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ना वो अपनी साग सब्जी ला पा रहे हैं, यहाँ तक कि उनको आटा पिसाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। बिजली नहीं आ रही है, लोगों के आटा नहीं पिस रहे हैं, और इसके अलावा लोगों के जो घर गिर रहे हैं उनके सामने बड़ी भीषण समस्या है। बाढ़ से हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग सड़क पर आ जाते हैं, खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, लोग बेबस हो जाते हैं, बढ़ते हैं आगे और ले चलते हैं आपको सीधे हमीरपुर और दिखाते हैं कि बाढ़ से वहां कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें देख आप घबरा गए होंगे कि आखिर ये गाँव है या फिर समुद्र, लेकिन आप घबराए नहीं, ये कोई समुद्र नदी या तालाब नहीं है, ये है हमीरपुर जो आज पानी पानी हो गया है। मुख्य सड़कों पर चेतावनी जारी की गई है कि आगे बाढ़ के कारण रास्ता अवरुद्ध है, कृपया आगे न जाएं। जो ये तस्वीर देख लेगा वो भला आखिर आगे जाएगा ही क्यों। गाड़ियां डूबी हुई है, सड़कों का संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। टिकरौली के पास में पानी भरा हुआ है नदी में, इसमें पुल में, और यहाँ नाव के द्वारा आवागमन होता है, लोग नाव से क्रॉस करके इस पार से उस पार जा रहे हैं। गांव के प्राथमिक स्कूल से लेकर गांव के मैदानों तक, खेत खलियानों तक सब पानी में लबालब डूबे हुए हैं, लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, गांव में सिर्फ पानी का साया है और इस साये में सब कुछ समा चुका है। जहाँ एक तरफ ग्रामीणों को अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं प्रशासन अपनी आधी अधूरी तैयारियों को लेकर अपनी पीठ थपथपाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाढ़ को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। सबसे पहली चीज तो हमारा अलर्ट सिस्टम जो है बराबर काम कर रहा है। जब भी पानी मेरा माता टीला डैम से या वहाँ से कोटा बैराज से चलता है तो हमें सूचना मिलती है, उसी हिसाब से गाँव में अनाउंस करा दिया जाता है कि कहीं पे कितना पानी बढ़ेगा। और अभी जो है जमुना में तो धीरे धीरे घटते क्रम में बढ़ रहा है, लेकिन बेतवा में थोड़ा पानी बढ़ा है तो शाम तक लगभग 1 मीटर और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर बाढ़ की विनाश लीला से लोगों को कब राहत मिलती है, क्योंकि बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीण काफी परेशान और हताश दिखाई दे रहे हैं। किसानों की फसलों की भी बर्बादी हुई है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इनको राहत कब और कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बलिया से अखिलेश, फतेहपुर से अमरदीप और हमीरपुर से ब्रजेश की खास रिपोर्ट। बार बार आग्रह किया जा रहा है कि पानी बहुत तेज बढ़ रहा है,
आप अपने घर से बाहर निकले, एनडीआरएफ की टीम आपके घर के पास पहुंची है, आप अब उसमें बैठकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। नहीं तो आप लोग समझिए, मेरा लाख रिक्वेस्ट है, कृपया सभी मोहल्लेवासियों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप लोग अपने मकान में ताला देकर अपने सुरक्षित स्थान पर जगह पधार लीजिए। तो आपने देखी बलगिया, फतेहपुर और हमीरपुर की तस्वीरें और किस तरह से लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार खतरे के निशान से बढ़ता जा रहा है। और एकाएक लोग रात में सोए और सुबह देखा कि किस तरह से बाढ़ के पानी ने उनके घर को घेर लिया है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खान पीन को लेकर भी भारी मुसीबतें आ रही हैं और ये दिक्कत पहले से आनी थी, इसको लेकर तैयारियां भी दुरुस्त की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। हालांकि बचाव कार्य लगातार जारी है, सरकार की तरफ से मदद की जा रही है, हर संभव मदद, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।